गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज दिन है एक नई शुरुआत। सुबह सुबह यार मेरे साथ एक समस्या हो गई, मेरी गाड़ी में हो गया पेट्रोल खत्म। 3 GB उसमें ऑलमोस्ट खत्म ही थी, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है गाड़ी। मैंने गाड़ी को घर खड़ा कर रखा है, मेरा दोस्त आया हुआ था तो मैं उसकी गाड़ी लेके आ गया हूँ। अभी जा रहे हैं, एक मैकेनिक है मतलब हमारे, वही विजय भाई, आप जानते हो विजय भाई को, विजय भाई के पास जा रहे हैं। उनसे कन्नी लेते हैं, कन्नी लेके उसमें पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल भरा के फिर गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले हैं ना, वो बॉटल में मतलब बोतल में पेट्रोल नहीं देते, तो वो एक प्रॉपर करनी होती है उसमें देते हैं। वो करनी लेते हैं विजय भाई से, पेट्रोल लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे। सुबह सुबह जब ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना यार, केयरलेसनेस हमारी है यार। पेट्रोल की बत्ती दिखा रहा था, ब्लिंक कर रही है, मैंने कहा चल आज डलवा लूंगा कल डला लूंगा। ये आलस बनना कभी कभी मरवा देता है, तो यार इतना आलस नहीं करना चाहिए हमें। मैंने तो सीख ले ली है, अब मेरी गाड़ी कोई भी गाड़ी जैसी रिजर्व पे आएगी मैं तो तुरंत तेल डलवाऊंगा भाई। विजय भाई से कन्नी भी ले ली और विजय भाई से 500 रुपए भी ले लिया, क्योंकि मेरे पास आज कैश भी नहीं है, मैं वॉलेट लाना भूल गया। तो कन्नी भी ली और पैसे भी लिए हैं। ये है हमारे विजय भाई, देख रहे हो हमारे विजय भाई हम पे कितना भरोसा करते हैं। अरे एक बंदा है, आदमी सही होना चाहिए, पैसे ले जाओ कोई बात नहीं। अरे एक बंदा है तो मैं 20 सालों से जानता हूँ, लेकिन वो 3,500 रुपए में मेरे को कई महीनों से घुमा रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई विजय भाई, हम तो अभी आ रहे हैं। कह रहे अरे अंजुल भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारी तो पता ही है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी ला के देता हूँ आपको दोनों चीजें वापस। तो भाई ये फेस वैल्यू होती है यार, मतलब लोग अगर इज्जत देते हैं आपको तो यार अच्छी एक फील आती है, एक अच्छा लगता है, आपको पता लगता है कि आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। एक्सीडेंट हो गया यार, अभी बाइक वाला गिर गया यार। अब कैसे गिरा ये तो पता नहीं, बहुत तेज लगी होगी भाई के यार। कन्नी में डलवाते हैं तेल, पेट्रोल। इस वाले पेट्रोल पंप पे तो यार पेट्रोल भी देने से मना कर दिया, कन्नी में तो पेट्रोल देते ही हैं यार, आदमी उसमें नहीं लेके जाता पर पेट्रोल तो दे ही सकते हैं। देखता हूँ एक और पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ पे, अगर उससे हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इस गाड़ी में से नहीं निकलवाएंगे पेट्रोल। भाई एक और पेट्रोल पंप भाई ने मना कर दिया, मेरा ये अलाउड ही नहीं है, सरकार ने मना कर रखा है। तो यार रूल है तो क्या ही कर सकते हैं, बट अब आदमी फंसा हुआ है ऐसे तो वो भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। सो अभी मैंने विजय भाई को फोन किया, विजय भाई कह रहे आ जाओ मैं इस गाड़ी में से ही निकाल के दे देता हूँ आपको, गाड़ी में ही डलवा लेना वापस। तो अगर गाड़ी की तो भाई टंकी फुल है, तो अब चल रहे हैं विजय भाई के पास। कन्नी और ये तेल कहाँ से निकलता है इसमें, विजय भाई ने निकाल दिया पेट्रोल, ये अगर देख रहे हो तो लगभग 2.5 लीटर के आसपास पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी में से, और हमारा काम हो गया भाई। उत्तरी तेल गिर गया नीचे, चलो तेल डालता हूँ इसमें, करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट। बत्ती तो ब्लिंक कर ही रही है, 2-3 बार करना पड़ता है ऐसे ऐसे ताकि तेल पहुंच जाए। तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं तैयार भी हो गया हूँ ऑफिस के लिए। अभी जा रहा हूँ विजय भाई के पास, उनको उनकी कन्नी वापस करने के लिए, और फिर वहाँ से चलते हैं अपने ऑफिस। उससे पहले यार मैं सोच रहा हूँ इसमें ना एक CNG का टेस्ट भी होना है, हाइड्रो टेस्ट। CNG भरने से भी मना कर रहे हैं, आज मेरी किस्मत में लग रहा है सही होना है। सुबह पेट्रोल खत्म हो गया, CNG बनाने गया तो फिर CNG के लिए मना कर दी, तो इसका मैं सोच रहा हूँ हाइड्रो टेस्ट भी करा ही दूँ। हाइड्रो टेस्ट करा के इसको बिल्कुल फिट फाट कर दें, फिर चलते हैं ऑफिस। रास्ते में ही पड़ेंगी दोनों चीज़ें। सिलेंडर टेस्ट कराने के लिए आ गया हूँ मैं, इतना यार गाड़ी में है तो सिलेंडर भी टेस्ट कराई दूँ यार, सारी टेंशन एक बार मैं खत्म करूँ, बार बार क्या ही करना। ये गाड़ी यार मैंने अभी ली है, पापा के लिए ली है ऑल्टो, यार गाड़ी छोटी पड़ रही थी पापा के लिए, तो ये वैगनर ली है, अभी ऑल्टो निकाल दी, तो अब इसका सिलेंडर टेस्ट करा रहे हैं हम लोग, सारी टेंशन खत्म कर दूँ। जा रहा है अपना सिलेंडर टेस्ट होने के लिए, ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे पेशेंट को लेके जाते हैं, वो जा रहा है टेस्ट होने, वहाँ अंदर टेस्ट होगा। टेस्ट करा लिया है गाड़ी का, यहाँ से अब गाड़ी में CNG की बत्ती जल रही है, अब CNG भरवा के लाता हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से टेस्ट कराता हूँ कहीं लीकेज तो नहीं है। ये इन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो चलते हैं। अरे हट जा मेरे कुत्ते, हट जा। भीड़ है यार CNG स्टेशन पे, इतनी भीड़ है। CNG भरवा ली है, अब लीकेज चेक कराते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। वहाँ से फोन आ गया यार, कहाँ रह गया। सुबह की जो दिक्कत हो रखी थी अब उसको पूरी ये है, तो लीकेज वगैरह सब चेक कर लिया है गाड़ी में, सब सॉर्ट हो गया है। अब एटलीस्ट ये CNG वाली दिक्कत तो खत्म हो गई, कम से कम अब CNG भरने में कोई मना नहीं करेगा। पता नहीं यार लोग क्यों नहीं हाइड्रो टेस्ट कराते, मैंने जिससे ये गाड़ी ली है उसने लास्ट 2016 में हाइड्रो टेस्ट कराया था, मतलब मान के चलो 8 साल हो गए, 8 साल से गाड़ी में हाइड्रो टेस्ट ही नहीं हुआ है। पता नहीं लोग कैसे यार अपनी सेफ्टी से खेलते हैं। मैंने आया तो मैंने कहा सबसे पहले यार इसका हाइड्रो टेस्ट कराऊं, तो एक दो दिन बाद कराना था क्योंकि मुझे ना गाड़ी ये पेंट पे भी देनी थी, बट उठ गया अब आया हूँ तो करा ही लेता हूँ हाइड्रो टेस्ट इसका, करा करो के खत्म कराओ, टेंशन ही खत्म। चलते हैं ऑफिस, ऑफिस में कुछ मीटिंग्स हैं उसको करते हैं लाइन अप, और फिर शाम को शायद सुनंदा के घर वाले भी आ रहे हैं गोली देने के लिए, तो लेट्स सी अगर वो आते हैं या नहीं आते, क्या प्लान बनता है मेरे को भी पता नहीं, अभी पूछता हूँ सुनंदा से।
मैंने ये शॉर्टकट लिया था ये सोच के कि यहाँ से जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है रास्ता इसका, बार बार से निकल जाता है वो। एक्चुअली वहां से घूम के जाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता, ये रास्ता सीधा मुड़ रहा है, बट इसकी इतनी बुरी हालत हो गई ये नहीं पता था मेरे को। अब आ गए तो अब आ गए, अब यहाँ से वापस जाऊंगा तो भी उतना ही पड़ेगा, सीधा जाऊंगा तो भी उतना ही पड़ेगा, तो सीधा ही चलते हैं यार। ओखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। A few moments later. Finally, मैं सुनंदा को ले आया। टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है यार अभी, वैसे 5 बज रहे होंगे, 5:15 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। आज सुनंदा जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि आज सुनंदा के भतीजा आ रहा है, भतीजा है ना, भतीजा कहेंगे, भतीजा आ रहा है, चीकू आ रहा है, चीकू और सिवांचल। वीडियो कॉल पे बात भी कर ली अभी, वो मुझे वो रेडी होके आ रहा है ना आज, तो वो वापस से बार बार कैमरे में आ रहा है, और अब पापा बोल रहा है, मैंने कहा कोई नहीं है यहाँ पे रख दे फोन। थोड़ा सा सामान लेना है, अभी सामान लेते हैं और निकलते हैं फिर, है ना। Yes. मजा आएगा आज, ठीक आएगा भाई साहब, आज तो बिल्कुल डिटो पे टाइम पे आ गए, बिल्कुल बस 2 मिनट वेट कराया, दो मिनट तो वेट कराया। इधर चीकू, इधर आ जा चीकू, आ जा, चल आ जा, भूल गया क्या, चल चीकू चल के, अरे उसको प्यार से चलने दो, आराम आराम से जा, अंदर जा, जा अंदर जा, जा अंदर जा, देखो जा आपके अंदर, देखो कौन है।